प्याज की कीमतों को स्थिर रखने के लिए सरकार ने उठाया कदम। सरकार ने बुधवार को कहा है कि प्याज की कीमतों को स्थिर करने के उद्देश्य से चालू वर्ष में मूल्य स्थिरीकरण कोष यानी PSF के बफर स्टॉक के लिए 2,51,000 मीट्रिक टन की रिकॉर्ड खरीदारी की गई है। उन्होंने बताया है कि खुदरा उपभोक्ताओं को प्याज उपलब्ध कराने के लिए सरकारी सहकारी खुदरा एजेंसियों को रियायती दर पर प्याज की पेशकश की गई है। दरअसल लोकसभा में राम्या हरिदास के प्रश्न के लिखित उत्तर में उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने यह जानकारी दी कि प्याज की कीमतों को स्थिर रखने के कदमों के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि बाजार निपटान के अलावा खुदरा उपभोक्ताओं को प्याज उपलब्ध कराने के लिए राज्य और सरकारी सहकारी खुदरा एजेंसियों को 8 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर प्याज की पेशकश की गई है। पीयूष गोयल ने कहा है कि 30 नवंबर 2022 तक बफर स्टॉक से कुल 1,53,000 मीट्रिक टन प्याज जारी किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्याज की कीमतों को स्थिर करने के लिए सरकार ने चालू वर्ष 2022-23 में मूल्य स्थिरीकरण कोष PSF के बफर स्टॉक के लिए 2,51,000 मीट्रिक टन की रिकॉर्ड खरीदारी की है और कीमतों में नरमी लाने के लिए प्रमुख खपत केंद्रों को स्टॉक का लक्षित निपटान सितंबर 2022 से आरंभ है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि खाद्य तेल की कीमतों को भी नियंत्रित करने के लिए सरकार ने कच्चे पाम तेल, कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर मूल शुल्क को 2.5% कम करके शून्य कर दिया है और इन तेलों पर उपकर को 5% कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।